हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के स्टूडियो में हम डिस्कशन करेंगे टैक्सेशन करवेरा। आज हम इस सब्जेक्ट का कंप्लीट डिस्कशन करने वाले हैं, तो इस सब्जेक्ट की प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले आज का वीडियो प्लीज एंड तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले हम जो 70 मार्क के अकॉर्डिंग जो उसकी पेपर पैटर्न रहेगी उसको लेकर बात करेंगे। हम हर एक क्वेश्चन का देखने वाले कि कितने बार की थियोरिकल पूछा जाएगा, कहाँ पर क्या पूछने की संभावना है, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा जाएगा, और इस बार की एग्जाम के लिए हमें सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं तो कौन सी स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग तैयारी करनी चाहिए जिससे कम टाइम में हम पूरा पेपर अटैम्प्ट कर पाए, और इस बार की एग्जाम के लिए हर एक से कौन कौन से एमपी क्वेश्चन निकलने वाले, उन सब को लेकर हम डिस्कशन करेंगे। तो वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल रहेगा, एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, फटाफट पेपर पैटर्न की बात कर लेते हैं। अब हमारी जो एग्जाम 70 मार्क के अकॉर्डिंग हो रही है 2.5 आवर टाइमिंग के साथ, जहां पर हमें क्वेश्चन कितने देखने को मिलेंगे, 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और हर एक के मार्किंग क्या रखेगा, इक्वल रखेंगे और 14 मार्क रखेंगे। 14 मार्क के अकॉर्डिंग 5 क्वेश्चन रहेंगे तो पेपर के 70 मार्क हो जाएंगे कवर। अब हमारी एग्जाम के अंदर ये 14 मार्क किस तरह से पूछा जाएगा उसके लिए 3 ऑप्शन दिए गए। यूनिवर्सिटी की ओर से दिया गया कि 14 में ऑप्शन में 14 करके पूछ के कवर करेगा, या तो 14 के ऑप्शन में 7-7 करके, या तो फिर ऊपर भी 2-7 पूछ ले और नीचे भी 2-7। अब हमारे इस टैक्सेशन में कौन सा अप्लाई होता है वो समझना बहुत जरूरी है। वैसे फिक्स नहीं कहा जा सकता क्योंकि हमारी जो नया सब्जेक्ट जो टैक्सेशन ऐड हुआ है करवेरा, जहां पर कॉरपोरेट टैक्स प्लानिंग और साथ में GST वस्तु अन्य सेवा कर, ये टॉपिक हमारा ऐड हुआ है 2019 के बाद, नंबर 2020 में ऐड हुआ है, 21 और 22 ये तीनों साल हमारे कोरोना की वजह से 50 मार्क की एग्जाम हुई है, इसलिए कौन सा अप्लाई हो पा रहा है वो फिक्स नहीं कर, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस के बेस पर 90% जो होने की संभावना है जो मुझे लगता है 14 के ऑप्शन में 7-7 हो सकता है। क्या हो सकता है कि ऊपर एक 14 का पूछ ले और ऑप्शन में 7-7, वैसे तो 2-7 ऊपर 2-7 नीचे भी कर सकता है क्योंकि यहाँ पर 14 का कोई एक थियरी बनना वैसे मुश्किल है, लेकिन वो 14 में बनाकर पूछ सकता है जिससे टाइम थोड़ा हमारा कम कंज्यूम होगा। अगर 14 मार्क का स्टूडेंट्स अटेम्प्ट करता है तो उसका पेपर जल्दी कंप्लीट हो सकता है, ये ऑप्शन भी दे सकता है, ये अप्लाई होता नहीं है। पर बेस्ट ऑप्शन है ये, अब यूनिवर्सिटी को से देखा जाएगा कि वो कैसे पूछेगा, बट मैं आपको स्ट्रेटेजी और आईएमपी बताऊंगा इस तरह से, अगर वो 7-7 करके भी पूछे ना तो भी आपको कोई फिकर करने की जरूरत नहीं है। आई होप आपको मार्किंग क्लियर हुई होगी। और ये आपको बता दूं, हमारा टैक्सेशन कर्व रहा 90% क्या रहने वाला, कंप्लीट थियोरिकल रहने वाला है, ठीक है। पहला यूनिट जो रहेगा वो भी कंप्लीट थियोरिकल क्वेश्चन पूछा जाएगा, दूसरे में भले यहाँ पर एक प्रैक्टिकल सम से स्टेटस वाला रेसिडेंटल जो आपने बीकॉम में भी सीखा हो हल्का फुल्का देखना, रूल्स देखोगे तो आपको आ ही जाएगा। बाय चांस अगर इस टाइप से पूछा जा रहा है तो बाय चांस 7 मार्क का पूछना तो पूछ भी सकता है, लेकिन मोस्ट ऑफ थियोरी में कवर हो सकता है क्योंकि यहाँ पर वो क्या देखना चाहता है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करके देखना चाहता है। तो मोस्ट ऑफ अगर स्टेटस की भी, अगर रेसिडेंटल स्टेटस की भी अगर टॉपिक पूछे तो थियोरिकल टॉपिक वो पूछ सकता है। तो मोस्ट ऑफ आप समझिएगा कि हमारा ये कंप्लीट थियोरिकल सब्जेक्ट रहने वाला है, ठीक है। आई होप आपको मार्किंग और हर एक यूनिट में से थियोरिकल टॉपिक आएगा समझ में आ चुका। आईएमपी में अभी आपको बताने वाला, पहले क्वेश्चन 5 को हम समझ लेते हैं, ठीक है, फिर स्ट्रेटेजी और आईएमपी में आपको समझाऊंगा। क्वेश्चन 5 में भी थोड़ा क्वेरी क्योंकि एग्जाम यहां से स्टार्ट हुई है, ठीक है, कोरोना टाइम से, तो अब यहां पर भी क्या आ सकता है तो समझिएगा, दो तरह से टॉपिक पूछा गया, एक तो एमसीक्यू वाइज भी पूछा गया, दूसरा हमारा जो ट्रू और फॉल्स होता है वो भी पूछा गया, ठीक है, दोनों पूछे गए। और जहां तक बुक की बात करो तो सुधीर प्रकाशन में आई थिंक ये दिया नहीं गया, लेकिन कुमार प्रकाशन में दिया गया है, तो कुमार प्रकाशन होगी उनके पास जो दिए उसी में से तैयार कीजिएगा, आपको इजीली ये कवर हो जाएगा। पहले मार्किंग समझता हूँ फिर इसकी तैयारी समझाता हूँ। तो मार्किंग आप समझते हैं कि एक के कितने मार्क, 2 मार्क है, आपको अटेम्प्ट कितने करने, 7 करने, लेकिन दिए गए होंगे एक्स्ट्रा 10 तो होंगे, लेकिन 12 समझ सकते हैं, 12 दिए होंगे 7 वो लिखिए जो आपको आते हैं जिससे आपके मार्किंग 14 मार्क कवर हो जाए, क्योंकि पेपर में 70 में से आपको 24 पासिंग चाहिए, और यहाँ अगर 14 कवर कर लेते हो तो अपना आधा काम हो जाता है, इसमें से इजीली आप इजीली पास हो पाओगे, समझ रहे होंगे। उसकी तैयारी समझिएगा, जैसे मैंने कहा बुक, तो बुक के अंदर आपके पास अगर कुमार प्रकाशन है तो उसमें आपको मिल जाएगा, वो तैयार कर लोगे तो आपका काम हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन का सुधीर प्रकाशन है तो बेस्ट ऑप्शन, जैसे मैं हर एक सब्जेक्ट में आपको बोल ही रहा हूँ, ठीक है, कि वीजी स्टडी पॉइंट एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करनी, क्योंकि वहां पर आपको एमसीक्यू फ्री में देखने को मिलेगी, एमसीक्यू टेस्ट भी दे पाओगे और साथ में फ्री में उसकी पीडीएफ एग्जाम तक अवेलेबल हो जाएगी। अगर आज तक भी वीडियो अपलोड, आज भी अगर एमसीक्यू टेस्ट अपलोड नहीं हुई तो 1-2 दिन आने वाले दिनों में एग्जाम से पहले अपलोड कर दी जाएगी, तो वहां से 100% एमसीक्यू की तैयारी कर पाओगे, क्योंकि वहां पर लेटेस्ट जो 3 एग्जाम उसका आपको देखने को मिलेगा, उनमें से 5-6 क्वेश्चन रिपीट होने के चांसेस होते ही है, तो वो तो आपको करने पड़ेंगे। प्रीवियस ईयर के एमसीक्यू वैसे भी आपको प्रैक्टिस के रूप में करने पड़ा, तो वो देखने को आपको मिल जाए। बाकी बुक है तो वहां से आप कर सकते हो, और हो सके तो एप्लीकेशन डाउनलोड करके अगर 1 मंथ के कोर्स में आप ज्वाइन हो पाते हैं तो आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हो पाएगी, क्योंकि उस ग्रुप में आपके सेमेस्टर के बहुत सारे स्टूडेंट्स भी होंगे, उसके 1-to-1 ग्रुप बनाया जाता है जिसके थ्रू आप स्टडी भी अच्छे से कर पाओगे, दूसरे की क्वेरी सॉल्व कर पाओगे।
आई होप क्लियर हुआ होगा क्वेश्चन नंबर 5 को कैसे अटेम्प्ट करना है। ऊपर के क्वेश्चन चारों की मैंने बात कर ली, मार्किंग मैंने आपको समझा दिया, मोस्ट ऑफ यू होने चांसेस है और 99% होने के चांसेस है थियरी। अब हम बात कर लेते हैं मेन स्ट्रेटेजी और आईएमपी थियरी। एंटर देखना कौन सी इजी वो भी हम डिस्कशन करेंगे। तो पहले आईएमपी थियरी बता देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर बुक नहीं, इसलिए मैंने थियरी गुजरात इंग्लिश दोनों में राइट डाउन की हुई है, ठीक है, जिससे स्टूडेंट्स इजिली समझ पाएंगे। और अगर बुक वैसा बंद आ गया, बुक में कौन से नंबर पर क्या है, तो प्रीवियस ईयर का जो वीडियो अपलोड किया गया समझ सकते हो, इससे पहले 2022 का जो मैंने आईएमपी स्ट्रेटेजी वाला जो वीडियो अपलोड किया होगा उसमें जरूर चेकआउट कीजिए। गुजराती उम्र की बुक यूज की, लेकिन इंग्लिश में बोला होगा, उसमें बुक के थ्रू आपको क्वेश्चन भी समझ में आए, क्योंकि 90% वही क्वेश्चन है। क्योंकि मैं एक बार जो आईएमपी देता हूँ वो आने वाले 3-4 साल के लिए सेम ही रहती है, उसमें कोई ज्यादा फेरफार होता नहीं है, वो हर साल के लिए अप्लाई होता है, तो उसमें से आपको मोस्ट ऑफ मिल ही जाएगी, बस 1 या 2 महीने एक्स्ट्रा ऐड की होगी कहीं कहीं पर, ठीक है। चलिए हम डिस्कस कर लेते हैं, मैं इंग्लिश गुजराती दोनों में रीड करके बताता हूँ फटाफट। पहला जो यूनिट में से हमारा टॉपिक निकल के आएगा उसमें फर्स्ट चैप्टर में से खास बताया, सुधीर प्रकाश से तो 3 चैप्टर बताया गया और कुमार प्रकाश से नंबर 1 में ही बताया गया। तो सबसे पहले टाइप्स ऑफ कंपनी, ठीक है, कंपनी ना प्रकारों का टॉपिक आपको अच्छे से देख लेना है। दूसरा जो रेसिडेंस स्टेटस ऑफ कंपनी को एक्सप्लेन करने के लिए बताया गया, जहाँ पे उसके रूल्स बताए गए, बेसिक एजम्पशन बताए गए, वो वाला टॉपिक अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। ये 7 साल में तो अप्लाई होते ही, बाकी इसको 14 में कवर करके बना भी सकता है। अगला है फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ टैक्स प्लानिंग ऑफ अ कंपनी, ठीक, कर आयोजन असर करता पर। स्टार्टिंग में तीनों दिन आपको सेम टू सेम मिल जाएंगे, एक नया मैंने ऐड किया है, ठीक है, पढ़ लीजिए। जो टैक्स प्लानिंग है फॉर अ कंपनी, किसके बेसिस पर, रेसिडेंटल स्टेटस के बेस पर कैसे टैक्स प्लानिंग किया जाता है, ये टॉपिक पढ़ लेना आपको, ठीक है। रेटाना दर्जाना आधार कर आयोजन समझाओ, तो 4 टॉपिक पढ़ोगे ना, मोस्ट ऑफ चांस है कि एग्जाम में अगर 3 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 2 इसमें से हो सकते, 2 इसमें से 100% हो सकते। ये पहले आपको पढ़ने के, बुक का मेन सार लिखा मैंने, जो बुक है, जो हमारा टॉपिक है, जो सब्जेक्ट उस चैप्टर का, वो मेन सार मैंने यहाँ पे लिख दिया, अगर ये पढ़ते हो तो आपको उसमें से मिलेगा ही। तो ये पहले कवर करते हो, लास्ट दिन वाले स्टूडेंट्स के लिए भी कम से कम इतना पढ़ना कम से कम है, ठीक है, क्योंकि ज्यादा है, इसमें 3 चैप्टर दिए गए, कम से कम 20 जितने क्वेश्चन है, फिर भी मैंने 4 निकाले, समझ गए होंगे। आगे बात करते हैं यूनिट नंबर 2 की, और यूनिट नंबर 2 से हमारा चालू होता है जीएसटी। नंबर 1 है हमारा कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग है, ठीक है, और ये हमारा जीएसटी से चालू होता है यूनिट नंबर 2, 3, 4। तो सबसे यहाँ पे जीएसटी का बेसिक पूछा गया, तो सबसे पहले निकल के आता टाइप्स निकल के आता, ठीक है, टाइप ऑफ जीएसटी, जिसमें आपको गुजराती में लिखा होगा अंगो भी लिखा हो सकता है, ठीक है, जीएसटी ना अंगो, या उसको इसमें कंपोनेंट लिखा होगा, पर हमारा आंसर टाइप्स ही बनता है। कई बार ये क्वेश्चन यूनिट नंबर 4 में पूछा जाता है, यूनिट नंबर 4 में, तो आपको आंसर वही लिखना है, पर टॉपिक यहां पर आपका कवर हो जाएगा, ये पढ़ना आपको गारंटेड है ही। तो बेसिक आपको पता तो होना चाहिए, जीएसटी टाइप भी कितने, 4 लिखेगा वो पढ़िएगा। दूसरा है उसके मुख्य लाक्षणिकता, मुख्य लाक्षणिकता को विशेषता करके भी पूछा जाता है एग्जाम में, या ये करके भी पूछा, आपकी बुक में विशेषता करके छपा हुआ है, ठीक है। साइलेंट फीचर लिखा, एक फीचर सिंपल वाला अलग छपा है बुक में, और साइलेंट फीचर अलग छपा, दोनों टॉपिक एक दूसरे से, वो फीचर और ये फीचर अलग है, पढ़िएगा ध्यान से, ठीक है। अगला टॉपिक निकल करता है बेनिफिट, इन 3 टॉपिक में से 1 होगा गारंटेड है, इन 3 में से 1 आपके एग्जाम में होगा ही। जैसे मैंने कहा, अगर 14 के ऑप्शन में 7-7 ही बना रहा है तो 1 ना 1 तो होगा, और 7-7 के ऑप्शन में अगर 7-7 की है तो 2 भी हो सकते हैं इन 3 में से। अगला टॉपिक इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस चैप्टर का नाम ही इंट्रोडक्शन, ये हमारा इंट्रोडक्शन हो गया, और उसके बाद पूछा गया डेफिनेशन, व्याख्या, व्याख्या में से 1 होगा, ठीक है, व्याख्या में से 1 होगा, मतलब क्या होगा, एग्जाम में 7 मार्क का ना, तो 1 व्याख्या नहीं 2 या 3 पूछी जाएगी एग्जाम में। आपकी बुक के अंदर 30 के आसपास दी रहा है कि 30+ दी गई है, पर 6-7 लिखी है, ठीक है, जिसमें से अगर 2 या 3 है तो 1-2 इसमें से होने के चांसेस ज्यादा है, हो सके तो एक बार देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, टाइम सेव कर रहा हूं, आपको मिल जाएगी बुक के अंदर, कम से कम ये पढ़ लीजिएगा, ठीक है, बुक में आपको देखने को मिलेगी, और बेसिक आपको पहले से अपने बीकॉम में भी कभी कभी देखा होगा बिजनेस लोग के अंदर ये सब। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 4 भी क्लियर हो चुका होगा, आई होप इससे आपका कवर मोस्ट ऑफ 2 क्वेश्चन तो हो जाएंगे कम से कम टाइम में रेडी करने के लिए। यूनिट नंबर 3 की ओर आता है, अब यहाँ पे समझिएगा जो काउंसिल है, जो इसका कायदा कैसे बनता है वो पढ़ना है आपको। तो कायदे के रिगार्डिंग जो हमारा 2017 में बना था, तो कायदे के रिगार्डिंग आते हैं 4 जितने टॉपिक दिए गए, लेकिन 4 में से मैंने 1 भी यहाँ पे नहीं बताया, उसमें से आने के लिए 1 हो सकता है, जैसे मैं बोल रहा 12 और 14 के ऑप्शन में 7 से, तो 1 हो सकता है, लेकिन वो पढ़ने में थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, तो उसके अलावा के टॉपिक तो पढ़ सकते हो, उसके अलावा ये 2 या 3 टॉपिक में से 1 तो निकलेगा गारंटेड, 1 या 2 भी निकल सकता है, तो ये जरूर पढ़ेगा। एक हमारा काउंसिल, जीएसटी की जो काउंसिल है, ठीक है, जो जीएसटी की परिषद होती है, जो जीएसटी बनाती है रूल्स उसके अंदर, और उसके कार्य क्या है, शॉर्ट नोट के रूप में मोस्ट ऑफ पूछा जाता है, पर ऐसे भी पूछ सकता है, ये रेडी करना कंपलसरी। उसके बाद हमारा जो रोल है, ठीक है, सेंट्रल बोर्ड का ऑफ एक्साइज एंड कस्टम का, जीएसटी में उसका रोल क्या है वो पढ़ लेना है। दूसरा टॉपिक, तीसरा जो एग्जम्पशन है, जीएसटी के समय हमें जो कर मुक्ति मिलती है ना, ये टॉपिक पढ़ना ही है, ठीक है, कर मुक्ति जो मिलती है कायदे रूल्स के अंदर ही आता है, तो कर मुक्ति का टॉपिक आपको पढ़ लेना है, बुक में मिल जाएगा। अगर आपको नहीं पता चला तो प्रीवियस ईयर का वीडियो देखिएगा, उसमें अब मैंने बुक के साथ समझाया कि ये क्वेश्चन कहाँ पर है,
ठीक है, आज मेरे पास अवेलेबल अभी बुक नहीं, इसलिए मैंने क्वेश्चन राइट डाउन किए हुए। अगला टॉपिक एक सिंपल सा है कि दोनों के बीच का रिलेशन समझाना है, सेंट्रल और स्टेट का फाइनेंशियल रिलेशन समझाना है, केंद्र और राज्य साथ का नाणक के संबंध, इन चार में से दो आने की संभावना 100% है, और इस ऑप्शन में भी पूछा तो भी और वैसे पूछा तो भी, ठीक है। मेन टॉपिक और एक हमारा कायदा का जो मैंने अभी IMPS में से दिया नहीं है, टाइम एक्स्ट्रा तो आप पढ़ सकते हो, एंड देखना मैं आपको इजी कौन से वो भी समझाऊंगा, ठीक है। लास्ट यूनिट नंबर 4 थोड़ा ये अलग टाइप का, इसके अंदर जो सप्लाई है GST की सप्लाई कैसे करते हैं, ठीक है, वस्तु और कर सेवा की पूर्ति कैसे करते हैं, तो टॉपिक थोड़े लेंथी है पर पढ़ने तो पड़ेंगे एग्जाम में, ठीक है। इसमें GST के टाइप्स वाला जो यूनिट नंबर 2 में से वो क्वेश्चन मोस्ट ऑफ पूछा जाता है, यहाँ पे बना के पूछ लिया जाता है, अगर यहाँ पे पूछे तो भी वो आंसर आप लिख सकते हो। उसके अलावा समझिएगा तीन क्वेश्चन है, प्लेस ऑफ सप्लाई, टाइम ऑफ सप्लाई, ये दो टॉपिक पूर्ति स्थल और पूर्ति समय दो पढ़ लिया, और एक हमारा शॉर्ट नोट की तरह पूछे या इसको डिटेल में पूछे पढ़ ही लेना है, इनपुट टैक्स क्रेडिट, इनपुट टैक्स क्रेडिट गुजराती भी हो सकता है या फिर हमारा इस तरह से भी लिखा हो सकता है। तीन टॉपिक में से निकल के आएगा, कम से कम एक तो निकलेगा ही, दूसरा टाइप ऑफ GST जैसे मैंने कहा कई बार इस यूनिट में वो क्वेश्चन बना के पूछ लिया जाता है, इतना कवर करोगे इसमें से भी एक तो मिल ही जाएगा कम से कम इस यूनिट के लिए, एक तो एक्स्ट्रा अपनी मर्जी से पढ़ लेना, ठीक है। स्टार्टिंग के जो दो तीन टॉपिक है, तीन से चार टॉपिक स्टार्टिंग वाले मैंने इसमें क्लियर नहीं किए, मैंने लास्ट के टॉपिक में से ही लिखा है, तो उसमें से एक टॉपिक पढ़ लीजिए, क्योंकि उसमें से एक टॉपिक आएगा और लास्ट में से कोई एक आएगा, इनमें से कोई एक निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर चारों यूनिट के मैंने बता दिया, एक बार हो सके फर्स्ट है इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये नंबर 3 है, ठीक है, नंबर 2 और ये नंबर 1। तो मोस्ट ऑफ जो हमारे कम से कम IMP वही मैंने यहाँ पे आपको बताया, इतने कम से कम पढ़ने ही पड़ेंगे। अब बता देते इजी कौन सा है, इजी तो सारे वैसे देखा जाए तो, बट आपको कम टाइम में रेडी करना है तो यूनिट नंबर 2 रेडी हो जाएगी, और तीन चार जो क्वेश्चन बताए उसमें से तो मिल ही जाएंगे सारे के सारे, तो यूनिट नंबर 2 के अंदर जा सकते हैं। उसके इन दोनों में से पहले कोई पढ़े, नंबर 4 थोड़ा लेंदी है, 1 और 3 में से आप अपनी मर्जी से स्टार्टिंग से कोई भी पढ़ सकते हो, लेकिन ये 2 नंबर का पहले पढ़ लीजिएगा, और इसकी तैयारी आई होप मैंने बता दिया एप्लीकेशन से हो पाएगी, ठीक है। और कोई क्वेरी लगती है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए, आई होप आपके लिए ये वीडियो यूजफुल रहा होगा, तो इस वीडियो को शेयर भी जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।